ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जालौन में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पाताल की शुरुआत की, जिसके तहत सर्विलांस टीम और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतरजनपदीय टप्पेबाज गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ लिया। मुठभेड़ का दौरा के ग्राम हरचंद मोड़ के पास हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने घायल हुए बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। आज थाना का दौरा पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको संज्ञान में आ रहा था कि काफी समय से थाना क्षेत्र में और आसपास टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें अभियुक्त जो भोले वाले लोगों को मोटरसाइकिल पर या पैर छूकर अपना रिश्तेदार बताकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ये टप्पेबाजी करते थे, जिसमें हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनसे अभियुक्तों को जो उनको पहचान में काफी मदद मिल रही थी। आज मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि दो अभियुक्त थाना क्षेत्र में फिर से पुनः वारदात करने आए हैं और उस सूचना पर बेरी रोड पर चेकिंग लगाई गई थी और जब इन चेकिंग की जा रही थी तब इस मोटरसाइकिल पे जो दो बदमाश थे उनको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस पार्टी द्वारा, और जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगे और पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिए। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें इन दो लोगों दो अभियुक्तों को गोली लगी है। इनको यहाँ अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है और जब इनकी चेकिंग की गई अभियुक्तों की तो अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से एक एक तमंचा बरामद हुआ, एक 32 बोर का है, एक 315 बोर का है, चार फुगा कारतूस बरामद हुए हैं और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 4700 रुपये भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के पास से एक 4700 रुपये और इनकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और प्रकरण के संबंध में थाना कोदौरा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और